हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, टाइम एंड वर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम्स बैंक का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएससी सी सैट हो या फिर रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग्स हो, आपको हर एग्ज़ाम्स में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, B and C can do it in 15 days, A and C can do it in 12 days. In how many days will A, B and C finish it working together and separately? Okay, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि A plus B जो है किसी काम को 20 दिन में कर पाता है, B तथा C जो है किसी काम को 15 दिन में कर पाता है, और A plus C जो है उस काम को 12 दिन में कर पाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर A प्लस बी प्लस सी जो है साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में ख़त्म कर पाएंगे, या A प्लस बी प्लस सी अगर अलग अलग काम करते हैं तो कितने दिनों में ख़त्म कर पाएंगे, राइट? ओके, तो देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम ले लेते हैं या कोई एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेते हैं जो तीनों से डिविजिबल हो। आप टाइम एंड वर्क पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 60 एज्यूम कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं वो हो जाता है हमारा वर्क। तो 60 क्या हो गया, यहाँ पे वर्क हो गया। अब देखिए 60 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 60 15 से 4 टाइम्स में जाएगा, 60 12 से 5 मरतबे जाएगा। ये हमारा हो गया इफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्क पता चल गया और यहाँ पे इफिशियंसी पता चल गया। अब आपसे पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में इस काम को ख़त्म करेगा। इसका ये मतलब है कि आपको ए का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, सी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, या फिर तीनों का एफिशिएंसी साथ में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हैं, अगर हम इस एफिशिएंसी को ऐड करते हैं, देखिए ए कितनी बार है, 2 बार, तो 2A आ जाएगा। बी कितनी बार है, 2 बार, तो 2B आ जाएगा। सी कितनी बार है, 2 बार, तो 2C आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो 3, 4, 7, 5, 12 आ जाएगा। अब देखिए हम लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी नहीं मिला है, हम लोगों को क्या मिला है, 2A प्लस 2B प्लस 2C का इफिशियंसी मिला है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी आ जाएगा। यहाँ से देखिए A प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 12/2, ये हो जाएगा 6। मतलब A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। अब देखिए A प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में कितने क्वेश्चन लगा पाएंगे, 6 क्वेश्चन लगा पाएंगे, और टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल वर्क कितना है, 60 है। और A प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन को लगाने में A प्लस बी प्लस सी को लगेंगे 10 दिन। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि अगर वो लोग सेपरेटली काम करते हैं तो कितने दिन लेंगे। देखिए ये भी निकालना बहुत आसान है, A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हो गया आपको 6। देखिए यहाँ पे A प्लस बी का इफिशियंसी पता है, A प्लस बी का इफिशियंसी कितना हो गया, 3। तो यहाँ से C का इफिशियंसी निकल जाएगा, 6 - 3, 3 आ गया। टोटल वर्क है 60, तो C कितना दिन लेगा, 60/3 हो गया यहाँ पे, 3, 60/3 मीन्स 20। मतलब C जो है 20 दिन में हमारा काम को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। वैसे ही आप देख सकते हैं फिर से A प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे 6 है, और B प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 4 है। तो यहाँ से A का इफिशियंसी आपको आ जाएगा 6 - 4, A का इफिशियंसी आ गया 2 हो गया, टोटल काम है 60/2, तो A कितना लेगा, 30 दिन लेगा काम को ख़त्म करने में, C 20 दिन ले रहा है। फिर वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, B का भी निकाल सकते हैं, A प्लस बी प्लस सी 6 हो गया, A प्लस सी जो है 5 हो गया, तो B का जो इफिशियंसी हो जाएगा 1। मतलब B जो है काम को करने में अकेले कितना दिन लेगा, 60/1, 60 दिन लेगा, 60 days, राइट? तो इस तरह से आप सेपरेटली निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, आप कंबाइंड निकाल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है PCS 2009 में पूछा जा चुका है, ये जो एक स्टेट लेवल एग्जाम्स होता है। यहाँ पे देखते हैं, ए कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 4 मिनट, बी कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 5 मिनट, सी कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 6 मिनट, डी कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 10 मिनट्स, एंड ई कैन कम्प्लीट ए सर्टेन वर्क इन 12 मिनट। आप क्या कीजिए यहाँ से, या तो सबका LCM ले लीजिए या कोई एक ऐसा नंबर रिज्यूम कर लीजिए जो सबसे डिविजिबल हो, तो वो क्या हो जाता है, 60।
और जैसे ही हम लोग एज्यूम करते हैं वो हो गया हमारा वर्क। अब देखिए 60 को 4 से डिवाइड किया 15, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, 60 को 6 से डिवाइड किया 10, 60 को 10 से डिवाइड किया 6, 60 को 12 से डिवाइड किया 5। ये हो गया हमारा इफिशियंसी और ये हो गया हमारा वर्क। अब देखते हैं यहाँ पे ये लोग टोटल कितना काम कर पा रहे हैं, 15, 12, 27, 27 और 10 37, 37 और 11 48। मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अगर इनका एक मिनट में हम लोग बोले तो एक मिनट में कितना काम कर पा रहे हैं। देखिए इफिशियंसी का मतलब होता है कि टोटल काम ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई जो है वो लोग कर पा रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है एक मिनट में 48 काम कर पा रहे हैं, कितने काम में से 60। ए प्लस बी प्लस, देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझना है आपको, ए बी सी डी ई जो है कितना काम कर पा रहे हैं, 48 काम कर पा रहे हैं, कितना में से 60 काम, कितने देर में, एक मिनट में। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय देम पर मिनट। अब देखिए एक मिनट में जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 48 काम करते हैं 60 में से, और एवरेज नंबर पूछा जा रहा है, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए ये 12 चौका 48 और ये 12 25 कितना हो गया, 60 हो गया, ये हो गया 4/25। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, ऊपर 4 से गुना नीचे 4 से गुना, 16/100 हो गया। अब देखिए 16 में 100 से भाग देना बहुत ही आसान होता है, 0.16 हो गया, और हमारा ऑप्शन ए जो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।